नमस्कार, शंखनाद न्यूज चॅनलच्या बातमीपत्रात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. सुरुवातीला पाहणार आहोत मुख्य बातम्या. देशभरात नवरात्रीचा उत्साह मोठ्या थाटामाटात साजरा करण्यात आला. दक्षिण नागपूर स्थित बेलतरोडी गुजराती युवक मंडळ मा अंबे गरबा उत्सव समितीच्या वतीने बेलतरोडी परिसरात भव्य रासगरबा उच्च आयोजन करण्यात आलं. भव्य रासगरब्याच्या दुसऱ्या दिवशी मा जगदंबेची आरती ओवाळून या नवरात्री उत्सवाची सुरुवात करण्यात आली. हा उत्सव गुजराती युवक मंडळांच्या सर्व लहान मोठ्या सदस्यांनी मोठ्या उत्साहात साजरा केलाय. दुसऱ्या दिवशी देखील डीजेच्या तालावर मंडळांच्या सदस्यांनी गुजराती गरबा डान्स केलाय. तो उसकी पौराणिक धारणा ये है की जो महिषासुर नाम का राक्षस था उसने ब्रह्मा जी के पास तप करके ब्रह्मा जी के पास ऐसा वरदान मांगा कि मुझे न कोई राक्षस मार सकता, न कोई देवता मार सकता, न कोई मनुष्य मार सकता. तो फिर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिया. फिर वो राक्षस तो राजा बन गया सबका, महिषासुर. और उसने तो इतनी एक मतलब पृथ्वी पर मतलब ये बहुत ताही माम कर दिया. फिर तो सब हैरान हो गए और फिर सब देवताए गए शिव जी के पास. तो फिर उसने एक शक्ति का निर्माण किया और वो शक्ति इतनी स्वरूपवान थी कि ये जो महिषासुर नाम का राक्षस था वो उसके ऊपर मोहित हो गया. तो देवी ने कहा कि अगर तू मेरे से शादी करना चाहता है तो फिर तेरे को मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा, मेरे साथ मुझसे जीतना पड़ेगा. फिर वो उसकी लड़ाई हुई तो 9 दिन तक वो दोनों के बीच में युद्ध हुआ. फिर देवी जीत गए, महिषासुर को 9वें दिन उसने मार दिया. तो इसके हिसाब से ये नवरात्रि का त्यौहार बाद में मनाया जाता है. और शक्तियों का ये शिव शक्ति गाई जाती है ना, तो शक्ति ने जिसका ये मारा इसलिए नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है. देखिए, नवरात्रि का उत्सव जो है ये तो हम साल भर, अभी 9 दिन के बाद ये खत्म होगा, इसके बाद में साल भर हम इसकी याद में रहते हैं कि कब वापस वो दिन आए और कब हम वापस 9 दिन तक सजने धजने का. और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 9 दिन पहले से यहाँ पे जो डेकोरेशन है ये सब चीज़ें 1.5-2 महीने से हम शुरुआत करते हैं इसकी. साथ ही हमारे अलग अलग 9 प्रकार के ड्रेसेस की तैयारी करते हैं. रोज आके यहाँ पे गरबा खेलना, सभी के साथ मिलना जुलना और देवी की आराधना करना, इस तरीके से हमारे ये 9 दिन पूर्ण होते हैं. और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. बिंग गुजराती भी बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही हमारे देश में, संपूर्ण देश में ये त्यौहार जो है ये बहुत अच्छे से मनाया जाता है. हर कल्चर के लोग, हर प्रांत के लोग इसको बहुत अच्छे से मनाते हैं. इसकी हमको बहुत खुशी है. थैंक यू. हमें तो जब से नवरात्रि चालू रहते उसके कुछ महीने पहले से थी, हम तन्या चोली वगैरह में सारी खरीदी करने लगते हैं 2-3 महीने पहले से, ज्वेलरीज वगैरह. और फिर हम 2-3 महीने पहले से प्रैक्टिस चालू कर देते हैं. स्कूल हो या जो भी हो, पर हम लोग मैनेज कर ही लेंगे, कैसे भी टाइम निकालेंगे और हम गरबा का प्रैक्टिस करेंगे, नवरात्रि का उत्सव अच्छे से मनाएंगे. तो कितना इंतजार है आपको? बहुत मैंने पहले इंतज़ार रहता है कि नवरात्रि कब आएंगी, तो फिर अपना हम कब गरबा लेंगे उसका इंतज़ार रहता है. मुझे यानी कि यहाँ पे अच्छा लगता है, पर मुझे गुजरात में यानी कि ज़्यादा ही मज़ा आता है. गुजरात में नवरात्रि ज़्यादातर वहाँ पे ही मनाई जाती है. यहाँ पे कोई कोई जगह पे ही मनाई जाती है और यहाँ पे कोई कोई ही रहते हैं यहाँ पे, यानी कि वहाँ पे सारे रिलेटिव्स और वो उनके साथ मज़ा आता है. तर हे होतं आजचं बातमीपत्र. पुनः भेटूयात पुढच्या बातमीपत्रात. नमस्कार. 77 वर्षापासून आयुर्वेद सेवेत असलेली शिवशंकर आयुर्वेदिक एजन्सी अनुभवी वैद्य डॉक्टरांद्वारे जटिल हिरण रोगांवर विशेषतः आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध आहे. सर्व नावाजलेल्या कंपन्यांची औषधं आणि सर्व प्रकारची जडीबुटी आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठीही अनेक प्रकारची औषधं मिळवण्याचे एकमेव विश्वसनीय स्थान. आमच्या इथे सगळ्या प्रतिष्ठित कंपन्यांचे औषधी उपलब्ध आहे. मग वाट कोणाची बघताय? आत्ताच भेट द्या शिवशंकर आय